नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो ट्रिपल लर्न में आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो फुल मून के ऊपर है। ओके, तो ये जो फुल मून है 26 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक का जो ये टाइमिंग है फुल मून का, इससे मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है। हालांकि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाली नहीं थी, बिल्कुल भी मैंने प्लान ही नहीं किया था इसके ऊपर, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं बना दूँ इसके ऊपर वीडियो, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा एंड आप लोगों को जानना ज़रूरी है। मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि इस फुल मून में बहुत से लोगों की एनर्जी अप्स एंड डाउन्स होने वाला है। ओके, एनर्जी आप लोगों का थोड़ा अनबैलेंस होने की चांसेस है, सो बी केयरफुल। डरने वाली कोई बात नहीं है, फुल मून तो खुशियाँ लेकर आता है, बट क्या होता है ना, फुल मून में कई सारे लोगों की जो इमोशनली वो लोग ना अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको ट्रिगर करते हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या ना हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके जो लव वंस है, यू नो, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ जो भी है, उनकी तरफ से कुछ ऐसा होता है कि आपको ट्रिगर किया जाता है। चाहे वो कुछ एक्शन ले या ना ले, आपको पुरानी मेमोरीज वगैरह ज़्यादा याद आने लगते हैं, यू नो, समथिंग इस टाइप की सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। और अगर आप लोग सिंगल हैं, टोटली आप लोग सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई नहीं है, तो ऐसा होता है कि आपकी फ्रेंड्स के थ्रू या फिर आपके घर के किसी इंसान के थ्रू कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा ट्रिगर किया जाता है जिससे आप थोड़े बहुत इमोशनल हो जाते हो। ओके, या तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं या फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। बेसिकली लोगों का, यू नो, अपने इमोशंस पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पाता है। ओके, और मुझे लग रहा है कि इस बार की फुल मून में भी कुछ इस किस्म का होने वाला है कई सारे लोगों के साथ। सो बैलेंस रहिएगा। एंड बाय द वे, वीडियो शूट करने के टाइम पर मुझे दो बार एंजल्स की तरफ से साइंस मिल गए हैं कि मैं रीडिंग करूँ, और पॉजिटिव साइंस है। सो आप लोग विश्वास रखिएगा ऊपर वाले के ऊपर, ठीक है, ईश्वर के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, गॉड के ऊपर। आप लोग यकीन रखिएगा, विश्वास रखिएगा, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। और अगर आप लोगों की आप लोग इमोशनली अगर अनबैलेंस्ड होते भी हो तो वो भी एक टेम्पररी बेस पर ही होगा। मतलब ऐसा नहीं कि ये बहुत सालों के लिए या कई सारे महीनों के लिए होगा, नो। ओके, कुछ टाइम के लिए होगा, लाइक फ्यू डेज और अ वीक। ओके, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं एक कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। अगर कुछ मुझे सजेशंस मिलता है एंजल्स की तरफ से तो मैं वो आप लोगों को देने वाली हूँ, ठीक है। अगर मिलता है तो डेफिनेटली आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। ओके, सो पॉजिटिव रहिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और या एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ फॉर माई व्यूअर्स, जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। बाय द वे, ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी फुल मून आता है आप लोग ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ 26 अप्रैल या 27 अप्रैल के लिए बनाया है, ये कभी भी आप देख सकते हो। ओके, जब भी देखोगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। ओके, सो या स्टार्ट करती हूँ मैं। ये मैं अभी नहीं लूँगी, अच्छे से शफल कर लूँ मैं, उसके बाद ही मैं लेने वाली हूँ कार्ड को। थैंक यू फॉर माय व्यूअर्स, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं फुल मून में। ओ, अभी से ही कार्ड्स इस तरह से जंप आउट हो रहा है। ओके, थैंक यू, क्या क्या चेंजेस होने वाला है एंड ऑल्सो कुछ गाइडेंस। थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वीर्गो कैप्रिकॉर्न, नाइन ऑफ रॉड्स एरिस लियो सजिटेरियस, फाइव ऑफ सॉर्ड्स लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस। ओके, डेथ स्कॉर्पियो, फोर ऑफ सॉर्ड्स अगेन एयर साइंस लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस, द टावर, ओके, एरीज, ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स अगेन एयर साइंस यहाँ पर ज़्यादा हैवी है एंड ऑल्सो स्कॉर्पियो एंड एरीज हैवी है यहाँ पर। ओके, लवर्स जेमिनाई,
टू ऑफ वॉन्स, एरिस्टियो सेजिटेरियस, वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। ओके अगेन एयर साइंस आ गया है यहाँ पर, नाइट ऑफ सॉट्स, बॉटम ऑफ द डेक, ओह ओके, सिक्स ऑफ रॉड्स, ओके या गुड। कार्ड्स को मैं बाद में सेटअप कर लूँगी अच्छे से, एक और डेक का इस्तेमाल करूँगी मैं, वहाँ से देखेंगे आपके लिए क्या सजेशन है। ओके फुल मून में जो भी आपके मतलब ऊपर असर पड़ेगा आपकी इमोशनल हेल्थ पर, आपकी इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ पर, उससे बचने के लिए आपके लिए क्या सजेशंस है वो मैं देखूंगी। थैंक यू। टेम्परेंस, ब्यूटिफुल, सेजिटेरियस, एस ऑफ वॉन्स, ओके अगेन फायर साइन, एरिस लियो सेजिटेरियस, फाइव ऑफ वॉन्स, अगेन फायर साइन, फायर साइन एंड एयर साइन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। अगेन फायर साइन, ओके सेवन ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ वॉन्स, फायर साइन, आई थिंक फायर साइन से रिलेटेड मतलब ऐसे व्यूअर्स बहुत है जिनके बर्थ चार्ट पर फायर साइन हैवी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इतने सारे फायर साइंस के कार्ड्स आए हैं। ओके अगेन लवर्स आया है आप लोगों के लिए, ग्रेट। एक और कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, और ये है लवर्स यानी जेमिनी, ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए एम्परर, एरीज। ओके कार्ड्स को मैं अच्छे से सेटअप कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ आप लोगों को। ओके तो जैसे कि मैं बोल रही थी, काफ़ी ज़्यादा मुझे ये फील आ रहा था कि इमोशनल लेवल में आप लोगों का जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करने वाला है, लाइक अप्स एंड डाउन्स होने वाला है, और यहाँ पर मुझे वही दिख रहा है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में ऑलरेडी टावर मोमेंट आ चुका है, ओके और अभी भी आपके लाइफ में यू नो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ओके हुआ है एंड ऑल्सो टावर मोमेंट का असर आप लोग के लाइफ में अभी भी पड़ रहा है, मतलब है अभी भी असर उसका, ठीक है, क्योंकि टाउ मोमेंट का असर ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वो कुछ हफ्तों के लिए या कुछ दिनों के लिए नहीं होता है, ओके थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है। सो ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ये फील हो रहा है जिनका लव रिलेशनशिप था, चाहे वो हस्बैंड के साथ हो या वाइफ के साथ हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ हो, ठीक है, लव से रिलेटेड इशू मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, ओके एंड चाहे आप लव से रिलेटेड मतलब कनेक्शन में हो या ना हो, आप सिंगल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जो भी टाव मोमेंट आया है, जिस शख्स के वजह से भी आपके लाइफ में ये कुछ बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं, उनके साथ काफ़ी कुछ ऐसा हुआ लाइक झगड़ा हुआ एंड मुझे यहाँ पर ईगो का बहुत ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है, लाइक ईगो का असर है, ठीक है, ईगो के वजह से मेनली ये झगड़ा हुआ, ठीक है, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं आप लोगों का नहीं है, मींस आप लोगों का वो ईगो इशू नहीं है, ये ईगो इशू सामने वाले इंसान का है जिसके साथ आपका जो भी लड़ाई झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट जो भी हुआ, ठीक है, ये सामने वाले इंसान का मुझे लग रहा है एनर्जी, ये मुझे आपका नहीं लग रहा है। आपके अंदर ईगो होगा भी तो बहुत कम, लाइक उस इंसान के मुकाबले काफ़ी कम, ओके और मुझे यहाँ पर, हालांकि मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मतलब यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है, हर किसी का नहीं है, ठीक है, हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता है, वो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ आप लोगों को। बहुत से रीडर्स की रीडिंग देखकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में ही है, बट एक्चुअल में हर इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता है, बहुत रेयर लोग ऐसे होते हैं जिनको उनकी ट्विन फ्लेम मिलता है, ठीक है, मतलब वो जान पाते हैं कि ये मेरे ट्विन फ्लेम है। बट जो भी है, यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में रहने वाले लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अब तक नहीं देखा तो देखेंगे ज़रूर, एंड ऑल्सो यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन भी है, बेसिकली मुझे ये एक वो कनेक्शन दिख रहा है जहाँ पर सोल कनेक्शन है, ठीक है, ये मैसेज उनके लिए है जो ऑलरेडी कनेक्शन में है या फिर उनका ब्रेकअप या डिवोर्स हुआ है, ठीक है, मैं उनको बता रही हूँ, एंड ऑल्सो कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक भी है, बहुत कम लोगों के लिए ये कार्मिक कनेक्शन भी है। खैर जो भी है, स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है फॉर श्योर, एंड इस इंसान के वजह से, इस इंसान के साथ आपके साथ जो भी हुआ,
लड़ाई झगड़ा अनबन जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से जो आपने फेस किया है उसका असर अभी भी आपके लाइफ में है। एंड इस फुल मून टाइम में क्या होगा, इस इन बातों का जो यादें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। सो बी केयरफुल, खुद की एनर्जी को यहाँ तक आने मत दीजिए, ठीक है। ये नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बिल्कुल भी आने मत दीजिएगा, पहले से मैं बता दूँ आप लोगों को। बाय चांस अगर आप लोगों की एनर्जी डाउन होता है तो आप उन सब चीज़ों में फोकस कीजिएगा जिससे आपको खुशी मिलता है, ठीक है। आप गलती से भी ये मत सोचेगा कि हाय मैं इतनी दुखी हूँ, इतना सैड हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो सब बातें गलती से भी आप लोग याद मत कीजिएगा, ठीक है। कई सारे ऐसे सिचुएशन हो सकता है आपके सामने क्रिएट हो जाए, या फिर उस इंसान से रिलेटेड कुछ ऐसा न्यूज़ मिल जाए, या फिर कुछ ऐसा उनका फोटोग्राफ्स वगैरह आपके सामने आ जाए, या उनका पुराना मैसेजेस आपके सामने आ जाए। सो बी प्रिपेयर्ड, इन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। गलती से भी आप चाहे आपको अगर इमोशनली आप यू नो वीक महसूस कर रहे हो तो आप गलती से भी उस इंसान का फोटोज़ वगैरह या पुराने मैसेजेस वगैरह वो सब चेक ना करें, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपकी एनर्जी और भी ज़्यादा लो हो जाएगा, ठीक है। आपकी एनर्जी और भी ज़्यादा लो हो जाएगा, और नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आने से ना उससे निकलने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, बहुत जूझना पड़ता है। ये नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जब कोई इंसान आ जाता है ना तो इस एनर्जी से निकलने के लिए उसको बहुत फाइट करना पड़ता है, ओके। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत फाइट करना पड़ता है। सो इस एनर्जी में मत आइएगा, थोड़ा सा भी अगर आप आ जाते हो तो निकलने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा। पीसफुल म्यूजिक सुनिएगा, लाइक जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होता है जिसमें कोई वर्ड्स नहीं होते हैं, ऐसे म्यूजिक सुनिएगा। स्पेशली हार्ट चक्रा से रिलेटेड म्यूजिक सुनिएगा, ठीक है। हो सके तो मेडिटेशन कीजिएगा, अगर आप लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, तो हार्ट चक्रा से रिलेटेड जो म्यूजिक्स होते हैं वो सुनिएगा, क्योंकि इस ऐसी एनर्जी से क्या होता है, बहुत से लोगों का हार्ट चक्रा ना ब्लॉक होने लगता है, और यहाँ पर ऑलरेडी है ऐसे कई लोग जिनके हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। और एंजल्स आपके साथ हैं, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। आपके लाइफ में चाहे आपके पार्टनर ने आपको चीट किया हो, या आपको हर्ट किया हो, जो भी किया हो, या फिर आपके घर के किसी इंसान ने आपको हर्ट किया हो, चीट किया हो, जिसने भी किया हो, आप कभी भी इस दौरान ये मत सोचिएगा कि आप अकेले हो, ठीक है। आप अकेले नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। स्पेशली उस टाइम पे जब आपको लगता है कि आप अकेले हो, उस टाइम आप अकेले बिल्कुल भी नहीं होते हो, क्योंकि उस वक्त आपके साथ वो एनर्जीज होते हैं जिसको आप खाली आँखों से नहीं देख सकते हो, जो सुपर नेचुरल एनर्जीज होते हैं, ओके, जिनको हम एंजल्स फरिश्ते बोलते हैं, ओके। आप लोगों के साथ वो हमेशा रहते हैं, और आप लोग उन लोगों का प्रेजेंस तब फील कर पाओगे जब आप लोगों के आसपास कोई इंसान नहीं होगा। स्पेशली आपको लगेगा कि आप इमोशनली काफ़ी ब्रेक हो रहे हो इस दौरान। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग रोने वाले भी हैं पुराने बातों को याद करके। सो रोना आता है तो रो लेना, हल्का कर लेना मन को, लेकिन बार बार रोने की गलती मत करना, ठीक है। अगर रोना आता है तो उसको बांध के मत रखना, उसको निकलने दो, आंसू को निकलने दो, बहने दो, ठीक है। इससे आपको हल्का महसूस होगा, ठीक है। एंड आप लोगों का एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर बैलेंस अनबैलेंस तो होगा आप लोगों का इमोशनल थोड़ा बहुत, देन उसके बाद जब आप लोग रोगे एंड खुद को थोड़ा लाइट महसूस जब आप करने लगोगे, उसके बाद से आपका वो टाइम स्टार्ट होगा जो आपके लिए बेहतर है, ओके, लाइक आपके लिए बहुत अच्छा है, जो एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्रिएट किया गया है, बनाया गया है, ओके। आप लोग इमोशनली काफ़ी हद तक बैलेंस्ड महसूस करोगे, ओके। धीरे 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 आपके अंदर की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ग्रो करने लगेगा, ओके। ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ओके। कुछ टाइम आप लोग डेफिनेटली इमोशनल हो जाओगे ज़रूर पुराने बातों की वजह से, बट स्टिल आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस है आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। बॉटम ऑफ द डेक ये आया था, सिक्स ऑफ रॉड्स, ओके, विक्ट्री, ओके, आपको विक्ट्री मिलेगा जो भी सिचुएशन है जिसके वजह से भी आप लोग अपसेट हो या होने वाले हो, ओके, जो भी सिचुएशन है उसमें आप उस बाहर निकल पाओगे, आपको विक्ट्री मिलेगा। अगर आप किसी लव वंस के आने का इंतज़ार कर रहे हो, उनकी कॉल या मैसेजेस का आने का इंतज़ार कर रहे हो, तो मैं बता दूँ वो इंसान फ़िलहाल थोड़े स्लो है। हालांकि मैं ये भी देख पा रही हूँ कि उस इंसान का एनर्जी
काफ़ी फ्लक्चुएट होता रहता है, चाहे वो फुल मून हो या ना हो, क्योंकि उस इंसान का एनर्जी थोड़ा ऐसा होता रहता है, वो सडनली सोचते हैं कि हाँ मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहिए अभी, देन सडनली उनका माइंड चेंज हो जाता है. ओके, बट स्टिल मैं ये बोलूँगी कि वो इंसान तो आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे, और सोल कनेक्शन है आप लोगों का. अगर आप किसी और पर्सन के बारे में आने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप किसी को ऑलरेडी पसंद करते हैं, तो मैं ये बता दूं कि आपका उस इंसान के साथ सोल कनेक्शन तो है. ओके, चाहे वो सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो या फिर कार्मिक हो, हालांकि कार्मिक यहाँ बहुत कम लोगों के लिए है, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे सोलमेट एंड कुछ पर्सन लोगों के लिए ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है. उस इंसान में ईगो इशू है, ये भी मैं बता दूँ, काफ़ी ईगोइस्टिक एंड स्टबबॉर्न नेचर के मुझे लग रहे हैं वो इंसान. ओके, और अपने ईगो एंड स्टबबॉर्न नेचर की वजह से ही वो इंसान चाहते हुए भी आपको ईजिली कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते हैं, बट करेंगे ज़रूर. एंड अगर आप उनसे कुछ कमिटमेंट का बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट देंगे आपको, अगर आप ऐसा कुछ उम्मीद कर रहे हैं, तो हाँ उसके भी पूरी की पूरी चांसेस है, वो कमिटमेंट आपको देने वाले हैं. लेकिन फ़िलहाल उन्होंने ये टाइमिंग डिसाइड नहीं किया है कि वो कितने दिन के अंदर या कितने हफ्ते के अंदर आएंगे. चेंजेस तो आएंगे आपके लाइफ में. 55 एंजल नंबर है यहाँ पे. ओके, आप उसका मीनिंग भी देख सकते हो. ओके, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में. बस ध्यान रखिएगा, जो आपको ये जो इमोशनली आप थोड़े अनबैलेंस फील करोगे ना, तो उससे निकलने की कोशिश करें, ठीक है, वो होने ना दें. और मुझे इस कनेक्शन में ना काफ़ी पैशन नज़र आ रहा है. ओके, काफ़ी पैशनेट कनेक्शन है ये. अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी कनेक्शन में हो, चाहे आप सेपरेट हो या फिर आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, मैं उनके लिए बता रही हूँ ये बात. ओके, यहाँ पर एक और कार्ड आ गया आप लोगों के लिए, मैं शफल कर रही थी अभी. गिव इट टू गॉड, टेक अ डीप ब्रेथ एंड ऑन द एक्सेल रिलीज दिस सिचुएशन टू गॉड फॉर हीलिंग एंड answers. ओके, ये जो भी आप नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो या फिर फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो, उस एनर्जी में ज़्यादा टाइम आप मत रहो प्लीज़, ये आपके लिए ही बुरा है. एंड जो भी सिचुएशन आप हैंडल नहीं कर पा रहे, उसको आप ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो. एंजल्स हैं यहाँ पर. ओके, एंजल्स हैं आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रहा है उसको बैलेंस करने के लिए एंजल्स है, ठीक है, आप टेंशन मत लो. एक और मैसेज में देखती हूँ. ओके, क्लियरिंग नेगेटिविटी, रिलीज नेगेटिविटी फ्रॉम विथिन और अराउंड यू. सी नेगेटिविटी, ये जो नेगेटिविटी है ना आपके चारों तरफ, उसको रिलीज कीजिए. एंड टू बी ऑनेस्ट, ये कहीं ना कहीं दिमाग ही इंसान के अंदर ये चीज़ लाता रहता है, ये नेगेटिविटी. ओके, आपके दिल का कोई दोष नहीं है इसमें, आपका दिमाग काफ़ी हद तक काम करता है, यू नो, पुराने बुरे मेमोरीज को वो दिमाग निकालता ही नहीं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो इतनी गहराई से बिठा लेता है ना कि आप चाहकर भी उसको निकाल ही नहीं पाते हो. कुछ ऐसा हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड में. सबकॉन्शियस माइंड बहुत इजीली नेगेटिव थॉट्स को भी पकड़ लेता है, जिस तरह से वो पॉजिटिव थॉट्स को पकड़ता है. ओके, सो बी केयरफुल, नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर मत रखिएगा, ठीक है, और ज़्यादा लोगों के साथ भी ये सब शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करोगे वो लोग भी दो चार और बातें बोलेंगे आपको, एंड देन आप और भी ज़्यादा इमोशनल फील करोगे. ओके, सो मैं बोलूँगी कि आप प्रे करो, आप जिस भगवान को भी मानते हो, जिस रिलीजन के भी हो, आप जिनको भी मानते हो, वो जो सुपर नेचुरल पावर होता है ना, आप उनको मानते हो, उनका प्रे करो, उनको प्रे करो और बोलो कि जो भी है सिचुएशन, मैं आपको सरेंडर करती हूँ. बेसिकली मुझे ये सरेंडर करने का एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है. ओके, आप उनको बोलिए कि मैं ये सरेंडर करती हूँ, जो भी सिचुएशन चल रहा है मुझे आप पर पूरा विश्वास है, मेरे साथ नेक्स्ट जो भी होगा वो मेरी बेहतरी के लिए होगा, मेरे साथ नेक्स्ट जो भी होगा उसमें मेरा लाइफ बेहतर से भी बेहतर होगा, मुझे सक्सेस मिलेगा. चाहे आप लव से रिलेटेड प्रॉब्लम में हो या करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम में हो, ओके, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएगी. इस बात को हमेशा मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लो, ठीक है. एक और कार्ड लेती हूँ मैं, और नेगेटिव लोगों से दूर रहो प्लीज़, चाहे वो आपके दोस्त हुई क्यों ना हो.
बहुत से दोस्त होते हैं जो बहुत नेगेटिव बोलते रहते हैं. ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ, टाइम टू ईट हेल्थी. जैसे कि हेल्थ के ऊपर इशू मीन्स फोर ऑफ सॉट्स एंड नाइन ऑफ सॉट्स. जाहिर सी बात है, अगर आप मेंटली खुश नहीं रहोगे, इमोशनली आप खुश नहीं रहोगे, तो आपके हेल्थ पे तो असर पड़ेगा ही. यहाँ पे कई सारे लोगों को ठीक से नींद भी नहीं आता है, ठीक से नींद नहीं आता है. जब भी रात को आप लोग जागते हो, आपके दिमाग में वही सब बातें, वो कैसे रिपीट होने लगता है, प्ले होने लगता है अगेन. ओके, इससे आपके हेल्थ ख़राब होगा. सो आप अपना हेल्थ का ख्याल रखो. ओके, सही टाइम पे खाना पीना खाया करो, ठीक है. एंड ऑल्सो सही टाइम पे नींद लिया करो, ये बहुत ज़रूरी है. आप चाहे कितना भी खा पी लो, अगर आप सोओगे नहीं ठीक से, तो आपकी हेल्थ तो ख़राब होगा ही, है ना. तो अपना हेल्थ का ख्याल रखें. हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगा तो फ्यूचर की खुशियाँ आप कैसे ले पाओगे, है ना. ओके, डिवाइन लाइफ पर्पस, ट्रस्ट द साइंस एंड योर इनर गाइडेंस व्हिच आर लीडिंग यू टू फुलफिलमेंट. ओके, सो यहाँ पर डिवाइन लाइफ पर्पस के ऊपर भी आ गया है बात आपके लिए. इससे मुझे एक और फीलिंग आ रहा है, जो भी सिचुएशन आपके लिए हो रहा है ना, आपके साथ हो रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है फॉर श्योर. ओके, एंड ये आपके लाइफ पर्पस के साथ भी कनेक्टेड है. मतलब जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ या होने वाला है नेक्स्ट आपके साथ, ये आपके लाइफ पर्पस के साथ काफ़ी हद तक कनेक्टेड है. मीन्स अभी जो भी आप लोग सिचुएशन फेस कर रहे हो, इससे जो भी आपको एक्सपीरियंसेस मिल रहा है ना, इससे क्या हो रहा है, आप लोग स्पिरिचुअली और भी ज़्यादा ग्रो कर पा रहे हो, राइट. आप लोग जितना स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, उतना ही ज़्यादा आप लोग अपने लाइफ पर्पस के बारे में जान पाओगे. एंड ऑल्सो आप लोग अपने लाइफ पर्पस के ऊपर काम कर पाओगे, उसके ऊपर आप फोकस कर पाओगे. स्पेशली इनर वर्क, आपके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, लव लाइफ में हो या फिर पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन चल रहा है, इससे निकलने के लिए आपको इनर वर्क करना है. खुद के ऊपर काम कीजिए, खुद को बेहतर इंसान बनाइए. ओके, आप बेहतर से भी बेहतरीन इंसान हो. इस बात को हमेशा याद रखिएगा. किसी दो चार लोगों की जजमेंट की वजह से खुद को कभी डाउन मत कीजिएगा. हाँ, खुद की सैडो साइड को पहचानना भी ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ, ओवर कॉन्फिडेंट भी मत बनना, क्योंकि हर एक इंसान की सैडो साइड होता है. तो अपनी सैडो साइड के ऊपर काम करना सीखो. ओके, सैडो साइड के ऊपर जब आप लोग काम करोगे ना, अपने इनर वर्क करोगे, तब आप लोगों को विक्ट्री मिलेगा. तब कोई भी इंसान आकर आपके, चाहे वो लव लाइफ हो या करियर हो या पर्सनल लाइफ में हो, कभी भी कोई भी इंसान आकर आपके लाइफ में इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं डाल सकता है. ओके, आपको पता चलेगा कि आपका वैल्यू क्या है, आपका वर्थ क्या है, आप किस काबिल हो, आपको खुशियाँ मिलेगा, आप खुशियों के लायक हो, आपको सक्सेस मिलना है, सक्सेस मिलेगा. ओके, ये पॉजिटिव थॉट्स हमेशा अपने माइंड में रखिएगा. कोई एक इंसान की वजह से, चाहे आप उसको पसंद करो चाहे हेट करो, जो भी है, उस इंसान की वजह से खुद के लाइफ को कभी भी डाउन मत करना. ओके, खुद को कभी लो मत करना, छोटा मत समझना, ठीक है. ओवर कॉन्फिडेंट भी मत बनना, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस से भी क्या होता है ना, इंसान अपनी गलतियाँ कभी देख नहीं पाता है. तो ओवर कॉन्फिडेंट भी मत बनना, लेकिन कॉन्फिडेंस हमेशा अपने अंदर रखना. एंड खुद की जो नेगेटिव साइड्स है, उसके ऊपर काम करना, उसको जितना हो सके ख़त्म करने की कोशिश करना. ओके, और पॉजिटिव रहना. किसी शख्स के वजह से, किसी शख्स के एक्शंस लेने या ना लेने के वजह से खुद के लाइफ को अनबैलेंस होने मत देना. खुद की लाइफ की रिमोट हमेशा खुद के हाथ में होना चाहिए. ओके, इस बात को हमेशा याद रखो, आपकी लाइफ की रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए. किसी दूसरे तीसरे इंसान के हाथ में अगर आप अपने लाइफ की रिमोट थमा दोगे, तो जाहिर सी बात है वो गलत ट्रैक में तो लेकर ही जाएगा आपको, ठीक है. सो ये कुछ मैसेजेस थे, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हुआ कि मैं बता दूँ. सो जितने भी लोग देखेंगे, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट पॉजिटिविटी मिला होगा. ओके, और जितना हो सके शेयर कीजिएगा. अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड सर्कल्स में या फिर आपके जान पहचान के किसी को भी इसकी ज़रूरत है, तो उनको आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है. और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है. बाय.